सो हेलो एवरीवन, दिस इज जयंशु। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी सभी अच्छे हो गए। मेरे अकॉर्डिंग में वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है आप सभी को बता देता हूँ। वीडियो को जो मेन टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एयरफोर्स पे जो रैली भर्ती है उसका फुल सिलेक्शन प्रोसीजर, मीन्स फॉर्म फिलिंग से लेके कट ऑफ का भी बात करेंगे, स्टार्टिंग पे कितना मार्क्स होना चाहिए, बट फॉर्म फिलिंग से लेके आपका कितना मीन्स एग्जाम मेडिकल तक बात करेंगे, PSL तक बात करेंगे, बीच में क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं वो सारी की सारी चीज़ें बात करेंगे। वन मोर थिंग, कुछ नया खड़े होकर बता रहे हैं आज, क्योंकि अभी तक हमेशा बैठ के बता रहे, मैंने कहा चलो कुछ नया करता है, ठीक है। हाँ, और एक बात और, लाइट का बता सकते हो? मुझे नहीं पता, आई थिंक मैंने तो बेस्ट ट्राई किया कि यार इनफ लाइट रहे, ठीक है, लेकिन बता सकते हो कि दिख रहा है कि नहीं? ओके, चलते हैं, डिस्कस करते हैं। अंशु भाई, पहला नंबर तो ये बताओ, जितने भी स्टेट्स में या यूनियन टेरेटरी पे वैकेंसी है, ये क्या कट ऑफ का क्या सीन रहने वाला है? ये सभी के मुंह में मतलब डाउट्स बन रहा होगा, क्लियरली डाउट बन रहा होगा। तो देखो, जितना भी कट ऑफ, डजंट मैटर कट ऑफ वगैरह, भूल जाओ यार, अपना पढ़ाई करो, फिर सेकेंड करो, क्योंकि वहीं पर 81 टेस्ट भी होगा, 82 टेस्ट भी साथ में होगा, ठीक है। तो पहला नंबर तो रिटर्न आई थिंक सभी का अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि हाल ही पे अगर जिसने पढ़ाई की है, जिसे लगता है मैं एयरफोर्स कर जाऊंगा, ठीक है, डेफिनेटली उसे लग रहा होगा कि इस बार क्रैक हो जाएगा मेरा, स्टार वाला भी एग्जाम हाल ही पे हुआ था, तो उस वजह से मेरा एक सजेशन है कि जिन जिन कैंडिडेट्स को लग रहा हो कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उनके लिए एक सजेशन है कि भाई अच्छी बात है, इसे साइड में रख दो। मतलब कि फॉर्म फिल करना है आपका 50% हो आपका, अब पहले फॉर्म फिलिंग के लिए कितने परसेंट नंबर होने चाहिए, इंग्लिश पे आपका 50 से कम है फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म भर दोगे रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, मैथ्स पे आपके 50 से कम है फॉर्म फिल हो जाएगा, और उसका फिजिक्स में कम है फॉर्म फिल हो जाएगा, बट ओवरऑल 50% अबव होने चाहिए, और इंग्लिश में 50 मार्क्स आपके होने चाहिए। ओके, कोई दिक्कत? आई थिंक नहीं। अब अंशु भाई, मेरे तो 65% उत्तराखंड से, झारखंड से 67% है, फॉर्म डालूँ कि ना डालूँ? उत्तर प्रदेश से भाई 55% है, फॉर्म डालूँ कि ना डालूँ? कोई चांस ही नहीं है यार उत्तर प्रदेश का, ये फेयर नहीं है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि फेयर नहीं, अभी आया था ना स्टार वाला एग्ज़ाम, उसमें आपके अगर कम परसेंटेज है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे कर जाओगे। तो आपको फॉर्म पे मतलब फॉर्म भरना है 27 तारीख को 11 बजे से लेके 5 बजे के बीच में, और एक सजेशन और पहले से पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म फिलिंग कर दी। फॉर्म फिलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब देखो, 10 दिसंबर से रैली शुरू है मतलब स्टार्ट है, तो आपको सबसे पहले वेट करना पड़ेगा एडमिट कार्ड कब आएगा? मैक्स आई थिंक 3 या 4 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद सबसे पहले आपको, मैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे पहुंचता हूँ, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, सुबह सेंटर पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, 2SC रेस कोर्स कैंप न्यू दिल्ली, 3SC चकेरी, 15SC भोपाल, अलग अलग SC हैं, ठीक है, कहीं पे एयरफोर्स एक्स ग्रुप का वैकेंसी है, कहीं पे एयरफोर्स वाई ग्रुप का। तो सबसे पहले रनिंग करना होगा PFT। अंशु भाई, PFT पे क्या होता है? 6:30 पे 1600 मीटर रेस कंप्लीट करना होगा, 1.6 किलोमीटर, ओके। उसके बाद 10 पुशअप्स, ठीक है, उसके बाद 20 स्क्वाट्स, जो अप एंड डाउन ऐसे ऐसे करके कराते हैं, वो 20 स्क्वाट्स करने होंगे, बस इतना आपका फिजिकल, ओके। इसे भी 6:30 मिनट में क्लियर करना होगा। रेस भाई, रेस पे ही काफ़ी बार हो जाते हैं, ठीक है, मे भी हो सकता है अभी कुछ दिनों पहले रेस नहीं कराया गया था, रैली वैकेंसी हुई थी, बट कोविड के कारण, अभी कोविड आई थिंक, अब कल मैंने देखा कि फिर से कोविड का केस बढ़ा, कल मतलब 20 तारीख को मैंने न्यूज़ पे देखा कि अचानक से 2-3-4-5 जगह कर्फ्यू लगा दिया गया, अलग लाइक MP पे, गुजरात पे, हरियाणा पे, लेकिन रेस को प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं होती वो बाई चांस है, बट फिर भी आपको अपनी तरफ से रेस के लिए प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। ये आपका रैली का हुआ। वन मोर थिंग, आगे बढ़ते हैं, जब ये क्लियर कर लेंगे देन भाई रिटर्न, मेन रिटर्न ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन में क्या होगा भाई? एक्स ग्रुप के लिए 60 मिनट 70 क्वेश्चन, वाई ग्रुप के लिए 45 मिनट 50 क्वेश्चन। अब वो किस ग्रुप कहाँ से हो वो आप जानते हो, अगर आप बात करते हो, अगर आप भोपाल से आते हो तो आपको वाई ग्रुप का देना है, उत्तर प्रदेश से आते हो तो एक्स ग्रुप का देना है, दिल्ली से आते हो तो एक्स ग्रुप, उत्तराखंड से तो एक्स ग्रुप, ठीक है, पुदुचेरी से तो वाई ग्रुप, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, ये तो अंशु भाई ठीक है, नेक्स्ट बताओ। तो नेक्स्ट की बात कर लेता हूँ, तो रिटर्न का कुछ देर बाद रिजल्ट आएगा। हाँ, और देखो, जो भी मतलब फाइनल मतलब भलोगे किन बोलोगे किन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो एक एयरफोर्स एक कट ऑफ की बेस पे लगभग 2000 से 2500 कैंडिडेट को ऑलमोस्ट मैक्स 2500 को शॉर्ट लिस्ट करके बुलाएगा अलग अलग डेट्स पे। 10 से 19 तारीख के बीच में प्रोसीजर चलने वाला है, ठीक है, तो उसमें इन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वहाँ पे, और उनका रैली कंडक्ट कराया जाएगा। अब उसमें क्या क्या रिटर्न पे पहुँचे, रिटर्न हुआ, ठीक है, जैसा पेपर आता है, मैं सिलेबस पे हो सकेगा तो एक अनदर वीडियो बात करूंगा कि क्या क्या कैसे किया जाता है सिलेबस, लाइक एक्स ग्रुप का बात कर लेता हूँ, तो जो अभी स्टार वाला होता है वही होता है, चलो उसके बाद अलग से कर लेंगे।
चलो रिटर्न क्लियर, वाई का क्लियर, एक्स का क्लियर, जिसको फेल हुए जो फेल हो गए तो कोई दिक्कत ना, घर आ जाओगे, जो पास हुए उनको 81 टेस्ट के लिए बैठा ला जाएगा। 81 टेस्ट क्या होता है, 81 टेस्ट में 30 मिनट 45 क्वेश्चन, SRT जिसे बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। हाल ही पे मैंने वीडियोस भी अपने चैनल पर बहुत सारे अपलोड किए हैं, डेफिनेटली उन वीडियोज़ को देख के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। लाइक रास्ते पे जा रहे थे, सांप आ गया, आप क्या करने वाले हो, मार दोगे, बगल से निकल जाओगे, या फिर रुकोगे कि सांप निकल जाए, या फिर कहोगे कि नहीं मतलब मैं सांप को पकड़ लूँगा, ऐसा कुछ, ठीक है, तो अब क्या, या फिर वहाँ से भाग जाओगे, राइट, तो यही था, मैंने बोला नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे, और कुछ उसमें रीजनिंग के 7 to 8 क्वेश्चन होंगे, लाइक नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन और ऐसे क्वेश्चन, A to Z, सीता गीता मोहन सीता से बड़ा लंबा छोटा, एक ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके, उसके बाद ये क्लियर करोगे, आपका टेस्ट होगा 82 टेस्ट, जिसे GD बोलते हैं। भाई इससे डर लगता है, GD से डर लगता है, इशू है ग्रुप डिस्कशन जिसे बोलते हैं, ग्रुप टास्क बना दिया जाएगा, एक आपको पढ़ने को दिया जाएगा। आप में से मैं बता दूं, मेरे चैनल पर फेस सेकंड के लगभग 100 से भी प्लस वीडियोस अवेलेबल है, जिसमें 60 वीडियोस में 60 टॉपिक आपको GD को देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाओ और रैली भर्ती का भी, हाल ही पे जो रैली भर्ती हुई उसके सारे वीडियोस, कैसे क्या वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ, कैसे क्या GD हुआ, कितने कैंडिडेट को कैसे क्या आउट किया गया, तो GD होगा सबसे पहले, क्या होगा, GD कंडक्ट कराया जाएगा। अब GD में किन कैंडिडेट्स को मींस किया जाएगा, तो लगभग 15 का ग्रुप होगा, एक ग्रुप को 15 ग्रुप पे बनाया जाता है, एक टॉपिक को पढ़ने को, लाइक बता दो, जैसे कि आपको ऐसे ऐसे दे देंगे तो ऐसे 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 बढ़ता जाएगा, ठीक है, टॉपिक बढ़ जाएंगे, उसके बाद आपको 5 मिनट पढ़ने को दिया जाएगा, 5 मिनट आप टॉपिक पढ़ लोगे, टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि आपसे एक कॉपी ऐसे ले ली जाएगी, आपको रख देना होगा, रखने के जस्ट बाद आपको स्टार्ट करना है GD। अब कोई कहता है भाई मैं पहले बोलूँ, नहीं यार कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे जो भी बोलो, लाइक पहले इंट्रोडक्शन बोलना होता है। अब देखो इंट्रोडक्शन और GD, वो मैंने हाल ही पे भी वीडियोज़ बनाए 10 तरीकों से इंट्रोडक्शन, आई बटन पे वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हो। आगे नेक्स्ट कुछ नहीं यार, मेडिकल डेट दे देंगे आप क्लियर कर लिए, अभी टास्क ही होते रहेंगे, मेडिकल आपका अलग होता है, इतना हो गया। मैं अलग वीडियो एक बना के बताऊंगा सिलेबस वगैरह कैसे क्या, वही वैसे मैं बता दूं, सिलेबस वगैरह सेम होता है, लेकिन 20 to 30 days आप के पास 20 days का टाइम है, तो 20 days के लिए प्रिपेयर होने के लिए मैं अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा। बट एक बात और बताता हूँ, आप सभी जितने भी लोगों परीक्षा ऐप पर जरूर जाके ऑनलाइन टेस्ट लगाना, वहाँ पे बेस्ट टेस्ट स्पेशली मैंने रैली के लिए भी करा दिए हैं। चलो मैं फ़ोन की स्क्रीन पे लेके आपको चलता हूँ, स्पेशली रैली के लिए ही लॉन्च किए गए अभी 10 टेस्ट, तो आप उन टेस्ट को अगर लगा लोगे तो एक कंपटीशन आपस में हो जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट लगाने के फायदे बहुत सारे होते हैं, लाइक आपस में कंपटीट करके देख पाते हो कहाँ पे स्टैंड करते हो, टाइम मैनेज करना सीख जाते हो। भाई कहोगे वो ऑफलाइन, अब ये ऑनलाइन हम क्यों लगा के जाएं, तो ऑनलाइन पे कैंडिडेट तो मिल जाते हैं, ऑफलाइन वाला टेस्ट कितने का मिलता है, मार्केट से लोग 120 से 130 का, वो भी इतने का ही है, उसमें डबल टेस्ट मिल जाते हैं, अभी इतने मिल रहे हैं। अदरवाइज आगे आप बाई करोगे नेवी का आएगा तो 110 रुपये में सारे। एक बात बताऊँ, डिफेंस वो क्या बोलूँगा, हाँ आपने से जितने भी लोगों ने पहले कभी भी बाई किया हो, ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है एक्सप्लोर का, 110 रुपये में सारे के सारे टेस्ट बाई कर लें, सारे के सारे जो नए टेस्ट अभी आज ही ऐड कराए गए, मैं दिखा देता हूँ, चलो फ़ोन की स्क्रीन पे, डेफिनेटली आप बाई कर लेना, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी वीडियो जैसा लगा हो जरूर बताना, चलो मैं बताता हूँ फ़ोन की स्क्रीन पे लेके, ठीक है, सो चलते हैं। देखो करना कुछ नहीं, परीक्षा नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, डिफेंस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पे टेस्ट सेक्शन पे आ जाना है, ठीक है। जैसे ही मैं टेस्ट सेक्शन पे आता हूँ, जो नए टेस्ट ऐड किए गए वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाल ही पे रैली वैकेंसीज हुई थी उनके रिव्यू के बेसिस पे आप पे बनाए गए, अभी बने नहीं है, कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए भी 20 टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, 40 टेस्ट, और वो वाले जो 40 टेस्ट थे उसे हटा दिया गया है क्योंकि वो टाइम पे लिमिट थे, ठीक है। तो रैली के लिए नए टेस्ट बनाए गए, अगर मैं 100 वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और अनलॉक कोर्स पर जाता हूँ, पे एडवांस कूपन कोड का ऑप्शन मांग रहे थे, यहाँ पे ऑनलाइन D50 डाल देना अपने को, ऑनलाइन D50, जैसे ही डालोगे यहाँ पे तो ऊपर देखो इधर साइड पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, ये अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो 278 यहाँ पे प्राइस हो जाएगा 140, ठीक है, 140 मतलब 140 रुपये में सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे, जिनमें आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो। और यहाँ पे ये फीचर को इनका शेड्यूल दिखा देता हूँ, कब कब ये ओपन होंगे, धीरे धीरे यहाँ पे सारे के सारे ओपन हो जाएंगे, 25 नंबर को पहला, मीन्स ये तीसरा, 24 नवंबर, 23 नवंबर, ये सारे के सारे डे बाई डे मतलब ओपन हो जाएंगे। बाकी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में आस कर लेना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, और नेवी सबके लिए यहाँ पे, सो ऑल द बेस्ट एट जय हिंद।